ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट टू। मातेश्वरी जी जन को ईश्वरीय संदेश और देह मुक्ति। अब बाबा की प्रेरणा अनुसार ब्रह्मा बाबा बड़े पैमाने पर ईश्वरीय संदेश दिया जाने लगा। ज्ञान मुरली तथा सेवा केंद्रों पर आने वाले जिज्ञासुओं को तो ईश्वरीय अतीन्द्र सपने रमण की शिक्षा दी ही जाती है। आध्यात्मिक पथ पर आगे के अतिरिक्त अब जहाँ अनायास ही मातेश्वरी जी को सार्वजनिक सभा परीक्षा ने आठ वहाँ भी निमंत्रण मिलने पर और बाबा के निर्देशानुसार उन्हें तुरंत संदेश दिया जाता से बंबई के ईश्वरीय निमंत्रण भी काफी संख्या में बांटे जाते थे ले जाया गया। वर्तमान समय डॉक्टर लोगों ने कहा कि यह व्याधि अब वर्तमान परिस्थितियों के कारण बाबा ने निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को कुछ विश्व शांति के परिचय में एक आत्मिक पत्र लिखा जाए। बात यह थी कि उन दिनों समाचार पत्रों में बड़ी सी सभाओं के मंचों पर तथा लोगों में भी विश्व शांति के बारे में खूब चर्चा प्रतिशत अमेरिका और रूस के बीच में न्यूक्लियर वेपन हाइड्रोजन बॉम्ब्स घातक विषैलु विषैली गैस इत्यादि के निर्माण के लिए होड़ जी तो सदा अपने ज्ञान वीणा के द्वारा कहा भी करती परंतु कभी ज्ञान एवं कभी लाओस कभी क्यूबा कभी मंजिल तक पहुँच कभी अन्य किसी परीक्षा कारण लोगों जिन्हें हमें पार करना होगा कि हमें चाहिए कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में तरना हो सकता है और इस उन दृष्टिकोण के समाचार पत्रों में इन को न्यूक्लियर वेपन्स के प्रलयकारी प्रभाव का परंतु इनकी बढ़ती हुई संख्या जब हम इस तथा इनके निर्माण कार्य में धारण हुए वेस्ट मैटर द्वारा वातावरण और समुद्र जल के विषैले होने की आशंका के बारे में भी स्वयं प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के लेख छप रहे थे। तब उसे खुशी होती है और राजनीतिक नेता आपस में आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम तत्कालीन प्रधान के पास एक डेप्यूटेशन ले जाते थे तो कई विश्व धर्म सम्मेलन करके धार्मिक तो याद से प्रार्थना करते थे अन्य सब कि वे अपने देश की सरकार पर नैतिक प्रभाव डाले कि न्यूक्लियर वेपन्स को ना बनाए। प्राप्त करने राजनीतिक यह रोग जहाँ कहीं भाषण करते हैं इसी विषय में ही करते तो मनुष्य कभी फुर्सत मानने करना होता तब अतः इस रोग की बलिहारी विश्व इसने हमें में शांति स्थापित करने व्यक्ति में विश्व किया है योग द्वारा उसकी प्रशंसा करने की आतुरता में भी उसे विश्व शांति का स्थापन के वर्ल्ड में लग जाना इत्यादि दुख देने बाधियां भी दे देते। इधर दूसरी ओर भारत में कहीं तो भाषा के आधार पर अलग अलग प्रभु को दे आंदोलन और तोड़फोड़ के काम हो रहे थे और कहीं कांग्रेस के विरोध नए नए राजनीतिक दल बनाए जा रहे थे। हम मान ही चुके सरकार से हमारा रथ है हर क्षेत्र इस पर हम बलवान है तो हमें साक्षी हो और भ्रष्टाचार को देखकर वे सरकार का विरोध करना संभाल करनी चाहिए और कई तो यह भी कहने लगे कभी लेश राज की तुलना में तो हमारे अंग्रेजों के राज में ज्यादा दुख नहीं आ ज्यादा सुख था। मातेश्वरी जी ने ऐसी परिस्थिति में कि आध्यात्मिक पथ पर था एक राजनीतिक नेता पहले या चिंता और परीक्षा थे अवश्य है किसी तरह और जितना हम आध्यात्मिक न होने को ही समान बड़े योद्धा बनते हैं मांगते थे। भारत के नेता जैसे भारत परिवार हमारे हटने आती है सुख यह तो संपन्न हमारे पुरुषार्थ को प्रतिबंधित कर विश्व शांति और इनमें तथा राम राज्य का स्थापन कौन है। इन परिस्थितियों में बाबा ने यह निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को जो पत्र भेजा जाए उसमें लिखा जाए कि आप चिंता मत करो विश्व में शांति तथा श्रेष्ठाचार को स्थापन होना ही है परंतु आप यह जो कोशिश कर रहे हैं मानसिक रूप से एटम और हाइड्रोजन बम ना बना करते अथवा विरोध अपने ना हो यह तो आप विश्व के आदि मानव से देवता करने का ज्ञान को न जानने के कारण व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। अब आप संपूर्ण विश्व के द्वारा शामिल के लिए शाम आणविक शस्त्रों द्वारा विश्व युद्ध का होना जरूरी है क्योंकि ये उस द्वारा ही भ्रष्टाचारी संप्रदाय अंतिम जिन्हें गीता में आसुरी संपदा वाले लोग कहा गया है इन्हें का विनाश होगा और यह विनाश इस सत्युग तो अर्थात संपूर्ण पवित्रता और जब काया मिलेगी भी तो संपन्न राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है।
जो सर्वांग सुंदर होगी और जिसे ये तो गोया गुप्त रूप में वरदान है, क्योंकि कल्पांत में जो महाविनाश नामक ईश्वरीय कर्तव्य होता है, जिसके फल स्वरूप सभी आत्माएं देती इस देह और लोक से मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाती है, यह महाविनाश तो वही है। ऐसी अब अपनी पवित्रता की स्थापना के लिए उसके साथ साथ अधर्म का महाविनाश भी जरूरी है। पत्र को राम राज्य के पहले हुए रावण राज्य आवश्यक होता है, वरना तो संपूर्ण एवं निरंतर सुख शांति के सामने एक अनुकरण जो आप सभी का लक्ष्य है उदाहरण था और सामान्य लोगों के लिए तथा डॉक्टरों के लिए। उस पत्र में बताया गया कि विश्व शांति का स्थापक तो विश्व का पिता कानों कान अन्य लोगों को यह खबर हो गई सर्वशक्तिमान अस्पताल एक परमात्मा ही है, जिससे ही सभी लोग शांति की याचना करते हैं। मनुष्य तो स्वयं भी किसी न किसी कारण से अशांत रहते अथवा अशांत हो जाते हैं। वहां रहने वाले वे भला सारे विश्व में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? अतः विश्व शांति का स्थापक तथा यह जो उपाधि है यह किसी मनुष्य को नहीं दी जा सकती है, जिन्होंने अभी लिखा गया कि शासन और विधि विधानों को अपनाया ही है तथा जिनता के बिना शांति को पाया सुख यह सच्ची शांति असंभव है। बाबा के आदानुशा आदेश अनुसार उसमें यह भी लिखा गया कि राम राज्य की स्थापना भी परमपिता परमात्मा शिव मिल गया जो राम का कथन ईश्वर से है कर सकता है, और अब भी उसी के लिए अब यह ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दे रहा है। अब आप विश्व शांति की चिंता छोड़कर पहले स्वयं इस ईश्वरीय विद्या द्वारा पवित्र बनो और शांति प्राप्त करो। व्यक्तियों के शांति प्राप्त करने से ही विश्व में शांति होगी और विश्व शांति की स्थापना करना विश्व के मालिक परमात्मा का कार्य है, आप बच्चों का नहीं। आपका कर्तव्य तो स्वयं को पवित्र बनाना ईश्वरीय सेवा में जुट कर शांति सेवा कार्य में स्वधर्म में स्थित होना है। वे बंबई से बैंगलोर इस प्रकार का बैंगलोर से पत्र छपवा कर अब राजमधुपन एवं अन्य स्थानों तथा धर्माचार्यों को दिया गया तो वे आश्चर्य और भी आश्चर्यचकित भी होते उतना ही और खुश भी। वे आश्चर्य तो इस बात का प्रकट करते कि उनके कौन है आते जो खुले रूप से कहता है कि महाविनाश अवश्य भावी है उनकी और इससे हर्षयुक्ता उनके पवित्रता के द्वार खुलेंगे उनके और जो स्वयं को विश्व का परमात्मा के परमपिता मानते हुए सभी और चाहे उनका राजनीतिक अनुभूति से इतना प्रभावित हो जाते कि सामाजिक पद कितना भी उच्च हो तथा शारीरिक आयु कुछ भी हो उन्हें बच्चे बच्चे के बारे में इस प्रकार के प्यारे शब्द से संबोधित करता है तथा विश्व शांति के कर्तव्य की राम राज्य की पुनः स्थापना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बापू गांधी जी सराम राज्य चाहते थे, उसकी स्थापना में विश्व का बापू भारत माताओं की ज्ञान बल योग बल अहिंसा बल पवित्रता बल वाली सेना द्वारा स्थापित करा रहा हूँ। आप उसने केवल यह सहयोग को स्वयं पवित्र एवं योग्युक्त बनो। उन्हें खुशी इस बात की होती थी कि माताएं बहनें भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने का यह पुनीत कार्य कर रही है और वे वर्तमान राज्य को रावण अथवा कौरव राज्य बताते हुए भविष्य घोषणा कर रहे हैं कि अब शीघ्र ही इसका अंत होने वाला है और जन जन परंतु देह अभिमान के कारण परमात्मा की पहचान न होने के कारण तथा संसार के संबंधों से अवकाश न होने के कारण वे समय निकाल कर इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि इतनी अधिकार पूर्ण भाषा में ये कौन है उन दिनों जो सभी को बच्चे बच्चे कहता हुआ कार्य कर रहा है। स्वतंत्र पार्टी के तथा सदस्यों को गुणों की शीतलता और 22 अगस्त 1947 माँ की संपूर्ण स्वतंत्र पार्टी के स्थापकों के मुख्य एवं सामान्य कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को भी एक पत्र छपवा कर भेजा गया।
इस राजनीतिक दल के की स्थापक मानते में थे कि कांग्रेस सरकार जनता के जीवन तथा दूसरों को भी ईश्वरीय संदेश दे रही है अलौकिक और व्यापार मां को अपनी प्रमुख सेनानी मानकर माया पर विजय पवित्रता की इत्यादि जारी करके और देश में भ्रष्टाचार तथा माताश्री जी के तन में फिर वह पुरानी व्याधि फिर से प्रकट हो गई। वे ऐसा भी कहते थे कि देश राजनीतिक तौर से चिकित्सकों ने स्वतंत्र हो गया है परंतु तो वे निराशा परिषदों में बोले कि अब तो यह व्याधि असाध्य हो गई है। इस दल के सदस्यों को लिखा गया कि वर्तमान समय का राज्य तो कौरव राज्य है। यह धर्म अर्थात अभय पवित्रता एवं दैवी मर्यादा पर आधारित नहीं है। बाबा से जब मां के बारे में पूछा गया लक्ष्मी उन्होंने नारायण का अथवा श्रेता युग का पास श्री सीता और श्री राम का राज्य था। बाबा ने यह भी कहा आज तो सभी मनुष्य काम मता क्रोध और की विकारों के कारण परतंत्र हैं। सभी अर्थ में स्वराज्य आत्माओं का इंद्रियों पर शासन किसी प्रकार का भय था और न ही उनके मन इस प्रकार के प्रजातंत्र कर्मेंद्रियों के मन पर योग शासन के प्रति राज्य में सुख शांति अनुशासन तथा पवित्रता की आशा रखना तो गोया अवस्था मैरिज और प्रेरणा प्यास बुझाने की आशा करना बम्बई से जो की व्यर्थ ही है। इस प्रकार डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार कि देश की सच्ची स्वतंत्रता तो सभी मिलेगी जब इस देश के वासी शक विकारों के पंजे से अथवा माया के गुलामी परतंत्रता से छुटकारा पाएंगे और इस प्रकार की स्वतंत्रता तो ज्ञान बल एवं योग बल द्वारा ही हो सकती है। यह पत्र जगदम्बा सरस्वती जी ने भेजा था और उस पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया कि यह पत्र ज्ञान श्रवण की निराकार परमपिता परमात्मा प्रेरणादायक थी। त्रिमूर्ति की तरफ से लिखा जा रहा है और उसी सभी को यह निमंत्रण दिया गया था कि वे कन्याओं माताओं की शिकंजा बल वाली सेना में शामिल हो जाए और मनोविकारों के कारण युद्ध करके सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के भागी बने। न्यायमूर्तियों तथा वकीलों को लिखा गया पत्र उस वर्ष पटना में न्यायमूर्तियों एवं वकीलों का एक सम्मेलन हुआ। उस अवसर पर एक पत्र छपवा कर उन सभी को दे दिया गया।